दोस्तों नमस्कार। आपकी गाय भैंस के कभी भी किसी भी थन में अगर समस्या हो जाए, यानी कि थनेला हो जाए, तो आपको जितना जल्दी पता चलेगा उतना ही जल्दी आप इलाज करवा लेंगे और उस थन को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ऐसी जांच की विधि बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप घर बैठे जाँच कर सकते हैं कि आपकी गाय के एक थन में, दो थन में, या तीन थन में, या चारों थनों में कहीं थनेला तो नहीं हो गया है। थनेला होना एक प्रकार के इन्फेक्शन का रूप है। कई बार क्या होता है, बिना इन्फेक्शन के भी किसी एक थन में से दूध कम हो जाता है, या किसी थन में से चित्रे आने लग जाते हैं, या किसी थन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है बिना थन के भी, बिना थनेला के भी। तो वो आप कैसे पता करेंगे कि भाई बिना थनेले के हुई है या थनेला हो गया है? हुआ है तो भाई हमें जल्द से जल्द इलाज करवाना है, नहीं तो क्या होगा, कोई भी मिनरल्स या घरेलू दवा देकर के भी हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो वो विधि क्या है जिससे आप पता कर सकें? देखिए, आज के इस वीडियो में मात्र ₹2 की बात चलेगी। ₹2 की बात क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है, इसको देखिए आप, ये क्या है, आप सभी इस चीज़ से परिचित हैं। यह है सर्फ एक्सल, एक प्रकार का सर्फ पाउडर आता है जो माताएं मैंने कपड़े धोने के लिए यूज़ करती है, इसको आप सभी जानते हैं। ₹2 का पैक हमने क्यों लिया है? क्योंकि ₹2 का जो पैक आता है, ये आता है भाई 12 ग्राम। कितने ग्राम का आता है? ये आता है 12 ग्राम। यहाँ पर आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जो तैयार करके आप थनेला की जांच कर सकते हैं, जांच की पूरी विधि भी आपको बताऊंगा, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका आपके दिमाग में ना रहे। शुरुआत हम इसी से कर लेते हैं। आपको जो पाउडर लेना है, नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ सर्फ एक्सल लेना है। दूसरे पाउडर से हमने कई बार प्रयास किया लेकिन सही जाँच नहीं हो पाई, इसलिए ज़रूरी है कि आप सर्फ एक्सल को यूज़ कर लीजिए। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये विशेष ध्यान रखना। तो सर्फ एक्सल जो है वो आप लेंगे, एक ₹2 वाला पैकेट, यानी कि 12 ग्राम। अब आप कहोगे कि सर हमारे यहाँ ₹2 वाला मिलता नहीं है, ₹10 वाला मिलता है। तो भाई ₹10 वाला जो पैकेट मिलता है ना TNRS का, ₹10 का, वो उसमें कितनी आती है? उसमें आती है 80 ग्राम। लेकिन हमें जो रेशियो बनाना है उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम ही चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा, इतनी ही यूज करनी है। क्योंकि पानी के साथ, मैं आपको एक अलग से पानी बताऊंगा, पानी के साथ इसका जो रेशियो है वो निश्चित होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई सी भी सर्फ नहीं चलेगी, सिर्फ सर्फ एक्सल चलेगी, वो भी निश्चित वॉल्यूम में चलेगी। ये जो वॉल्यूम जो चलती है ना, उसमें देखिए 1 लीटर पानी के पीछे आप लेंगे 30 ग्राम सर्फ एक्सल। अब ये रेशियो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखो 1 लीटर पानी यानी कि 1000 ml, 1 लीटर में कितना हो गया, 1000 ml पानी, और 1000 ml पानी के पीछे आप सर्फ एक्सल कितना लेंगे, 30 ग्राम। इस रेशियो को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यही है, यही रेशियो है जिसको हमें आगे से आगे यूज़ करना है। अब मान लीजिए कि आप कहें कि साहब मेरे पास 60 ग्राम का पाउच है, तो अगर 60 ग्राम का है तो पानी कितना होना चाहिए, 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर 60 ग्राम। अब मान लीजिए आपके पास जो पाउच है, साहब मेरे पास 15 ग्राम का पाउच है, तो 15 ग्राम अगर आप ले रहे हैं, इसका मतलब आप लेंगे 500 ml के पीछे 15 ग्राम। इस तरीके से रेशियो बनाना है। तो हमने कौन सा रेशियो बनाया, हमने ₹2 वाला सर्फ एक्सल लेने का विचार किया जो कि आता है 12 ग्राम। और अगर इसी रेशियो में अगर 12 ग्राम के पीछे पानी की गणना करें तो वो हो जाएगा फ्रेंड 400 ml। यानी हम डायरेक्ट कह देंगे पानी कितना लेंगे, 400 ml। ये घोल बनाना है, विशेष विधि घोल से ही शुरू होती है। देखिए वापस वहीं चलते हैं। तो हमने 12 ग्राम का एक पाउच लिया है, तो अगर 12 ग्राम का पाउच लिया है, इट मीन्स हमें पानी कितना लेना चाहिए, आप खुद बता दीजिए। तो कोई सा भी आप बर्तन ले सकते हैं, विशेष तौर से अगर कांच का बर्तन यूज़ करते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, बाकी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ घोल बनाने के लिए तो आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए।
तो पानी कितना लिया हमने, 400 ml। तो सेकंड कंटेंट अपने पास आ गया 400 ml पानी, ठीक है। सर्प एक्सल को हम इसके अंदर 400 ml पानी में डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे, अच्छी तरीके से हिला लेंगे। ये हिलाने का जो काम है आपको दो बार करना है। पहले आप पानी डाल करके अच्छी तरीके से हिलाइए, हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिए। रख दिया, थोड़ी देर बाद और हिलाया और रख दिया, यानी झाग पूरे एकदम से फिनिश हो चुके हैं और एक सॉल्यूशन बन चुका है जो आपको हल्का सा ब्लूइश वाइटिश कलर लिए हुए आपको इसमें दिखेगा, बन गया। ये सॉल्यूशन बनने के बाद आगे की विधि शुरू होगी। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको एक जैसे या अलग अलग हो सकते हैं चार बर्तन और लेने हैं। ये बर्तन कोई कटोरी हो सकती है, ये बर्तन कोई कांच की ग्लास हो सकती है, ये बर्तन कप भी हो सकता है। तो ये बर्तन कोई सा भी हो सकता है, हमने यहाँ पर ग्लास बोतल ली है, बाकी आप ग्लास जो आते हैं ना कांच की ग्लास, वो आप आराम से ले सकते हैं और अच्छा उसका यूज होता है। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि कम से कम 200 ml कैपेसिटी की होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। यानी इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 200 ml कैपेसिटी की कोई सी भी बोतल हो, और 200 से अगर ज़्यादा है तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन को हिलाना भी पड़ेगा। इसीलिए अगर 200 से ज़्यादा हो, जैसे 250 ml की है, 300 ml की है, तो भाई वो बहुत ही अच्छी रहती है, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए हमें जो पानी हमने तैयार किया था सर्फ एक्सल वाला, वो पानी हमने लेना है 100 ml। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप 100 ml पानी लेते हैं तो उस कंडीशन में दूध भी आप 100 ml ही लेंगे। अब मान लो कि आप कहेंगे साहब थन में से दूध 100 ml निकल ही नहीं रहा है, कम निकल रहा है, तो जितना दूध निकलता है उतना ही आपको पानी डालना है। चाहे आप दूध को नाप लीजिए, पानी को नाप लीजिए। नापने का तरीका क्या है, सिंपल सा है कि अलग आपने एक बर्तन में दूध लिया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर उसी बर्तन में दूध निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ताकि वो नुकसान ना करे। तो दूध लगभग आपने निकाल लिया 50 ml मान लीजिए। 50 ml की एक सिरिंज आती है, एक सिरिंज 50 ml की आती है, वो हम यूज कर सकते हैं। इसमें आपने डाला 50 ml की एक सिरिंज, भरिए जैसे दूध डाला। अब आपको पता नहीं है साहब दूध कितना जा रहा है, तो दूध मान लीजिए इसमें 70 ml आ गया, एक सपोज करते हैं, दूसरी मैं अगली वाले में ले लेता हूँ। मान लीजिए 70 ml दूध आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप 50 ml की एक सिरिंज भर लेंगे और बाकी का दूध नीचे गिरा देंगे। यानी कि हमें एग्जैक्ट लेना है तो वो सिरिंज अच्छा मापक रहेगी। तो 50 ml की आपने सिरिंज ली और 50 ml इसमें आपने डाल दिया दूध। पहले क्या डालेंगे, पहले डालेंगे दूध। तो 50 ml दूध आपने डाल लिया, नाप लिया कि जैसे एक कप दूध ले लिया मान लीजिए, तो एक कप दूध आपने इसमें डाल दिया, तो एक कप ही आपको पानी डालना है। यानी ये जो इसका पानी है ये कितना डालना है, ये भी आपको 50 ml ही डालना है। फिर आप किसी चम्मच की मदद से या यूं ही हिला सकते हैं। इस बोतल को लिया हाथ में और यूं ही आपने हिला लिया, तो दूध और ये सर्फ एक्सल वाला पानी दोनों आपस में मिल जाएंगे। मात्र आपको 1 से 2 मिनट के लिए इसको रखना है, 2 मिनट में ही रिजल्ट आ जाता है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप 3 मिनट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार हम 5 मिनट भी रख देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। आप 1 से 3 मिनट तक इसको रख सकते हैं। तो यूं हिलाया और 1 से 3 मिनट तक रख दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा दूध है, क्योंकि थन है हमारे पास 4, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बोतल पर किसी ना किसी तरीके से, चाहे पेन से करें, मार्कर से करें, या अलग अलग बर्तन लें, या कैसे भी करें, इन पर आप निशान लगा दीजिए कि ये कौन से थन का है। देखिए आपको पता है राइट साइड में 2 थन होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इधर 2 जगह आर लिख दूंगा। ये राइट वाले हैं और ये दोनों लेफ्ट वाले हैं, ठीक है। अब आगे और पीछे, यानी फ्रंट का और बैक का कौन सा थन है। फ्रंट वाला कौन सा है कि राइट का फ्रंट का है तो उसे RF लिख देंगे, तो राइट का फ्रंट का है आप पहचान लेंगे, राइट साइड और फ्रंट यानी आगे का है, ठीक है। अब राइट साइड में बैक का है तो R भी लिख दीजिए, तो राइट साइड बैक का दूध इसमें डालिए,
यहां पर लेफ्ट साइड राइट, लेफ्ट साइड फ्रंट, तो ये लेफ्ट साइड के फ्रंट का हो गया दूध, इसमें उसी थन का दूध डालेंगे लेफ्ट साइड के फ्रंट का, और इसी तरीके से यहां पर लेफ्ट साइड का ये हो गया आपके बैक। तो फ्रंट एंड बैक ये चारों तैयार हो गए, ये मार्का आप उस पर लगा देंगे, आरएफ लिख देंगे, आरबी लिख देंगे, आरएल लिख देंगे, एलबी लिख देंगे। तो ये मार्का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चारों पर लिख दिया, चारों में अलग अलग जिस थन का मार्का हमने लगाया है, मार्क किया है, उसी थन का दूध 50 ml डाल देंगे और 50 ml वो पानी डाल देंगे। अगर आप 100 ml दूध लेते हैं तो 100 ml पानी डाल दीजिए, जितना दूध उतना ही पानी आपको डालना है। फिर हिलाइए, 1 मिनट के लिए रख दीजिए, 1 से 3 मिनट हम रखते हैं। तो 1 से 3 मिनट रखने मात्र से ही होगा क्या, होगा ये कि ये जो पानी आपने डाला है दूध वाला, ये जम जाएगा, यानी अंदर उसमें रासायनिक क्रिया हो जाएगी, जम जाएगा। तो अगर ये जम जाता है तो इसका मतलब उस थन में थनेला है, यानी गाढ़ा हो गया। कैसा हो गया, ये हो गया साफ गाढ़ा। तो जिसका गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, उसी में थनेला होता है। तो यहाँ हम पता कर सकते हैं कि भाई थनेला किस थन में है और है या नहीं है। अगर एक ही, मान लीजिए थन में दिक्कत है, आप एक ही थन को जांच कर रहे हैं, उस कंडीशन में एक बोतल आपने ली और पानी और उसी में दूध डाल दिया बराबर मात्रा में, हिला के देख लिया, अगर वो जमता है तो इसका मतलब थनेला है, और नहीं जमता है इसका मतलब थनेला है नहीं। अब जमने का पता करने के लिए आप एक तरीका और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यह है कि इसका जो दूध है वो किसी बिल्कुल एक समतल सरफेस के ऊपर गिराइए। जब आप गिराएंगे तो पता चल जाएगा फटा हुआ है, फटा हुआ है या सही है। अगर फटा हुआ है, जमा हुआ है, इसका मतलब भाई परेशानी है, यानी कि इस थन में थनेला है। तो इस तरीके से आप थनेला की जांच घर बैठे ही कर सकते हैं।